सीआरसी गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ एक नई सोच व एक नई ऊर्जा के साथ समाज को नई दिशा देने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर वर्ष एक रैली निकाली जाती है, जिससे लोग जागरूक हो सके। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों को शासन की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि सभी दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आदरणीय निदेशक महोदय, आप हमारे बीच, मैं पुनः अनुरोध कर, अगर वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार को डिस्प्ले करने का काम किया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग भी इधर आ जाइए भैया, आप लोग भी इधर आ जाइए यार, ये तो बहुत काम कर एकदम। बड़ो 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 यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर, इसमें उपस्थित इस केंद्र के जो है प्राचार्य श्री यादव साहब, पीटीएस के जुड़े हुए से सभी जवान बंधुओं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री पांडे जी, और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से हरदिल अजीज हम सभी के लिए प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक बंधुओं, इस अवसर पर उपस्थित होने पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस संस्थान को हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, सीआरसी गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव ने कहा, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो केंद्र यहां पर स्थापित है, यहां पर इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो है दिव्यांगजन बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ जो है एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ नई दिशा देने के लिए, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, इसमें सभी यहाँ उपस्थित जो संस्थान से जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए यहाँ पर सहयोगी हैं, प्राचार्य जी हैं, इन लोगों के माध्यम से एक दिशा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ इस व्यवस्था में जितनी जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको भी जानकारी दे करके कि सरकारी योजनाएं हैं और इससे जुड़े हुए जो सरकारी विभाग हैं, संस्थाएँ हैं, वो पूरी के तरीके से जो है एक समर्पित भावना से होकर के इन दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, इसी कार्यक्रम के जो है संपादित और संपन्न कराने के लिए ये कार्यक्रम है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है और दिव्यांगजनों को हम अपने समाज का एक समावेशी पार्ट बनाए, भाग बनाए, दिव्यांगजनों को उनके अधिकार प्रदान करना सुनिश्चित करें। जो योजनाएं परियोजनाएं उनके लिए संचालित हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, उसको उन तक पहुंचाने के लिए समाज को, प्रशासन को जागरूक करें, इस उद्देश्य से यह प्रोग्राम आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसी कड़ी में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया था अपने केंद्र के माध्यम से, और यह केंद्र चूँकि भारत सरकार से संचालित है, राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है, तो तमाम योजनाओं को इन तक पहुंचाने के लिए, उन योजनाओं के प्रति इनको जागरूक करने के लिए हमने तमाम लोगों को जोड़ करके यह प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अलावा एक रैली का आयोजन किया है जो समाज के बीच से होकर के निकलेगी। हमारे जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने अपने स्लोगन्स दिव्यांगता के प्रति जागरूकता को लेकर के बनाया हुआ है,
समाज में उसका प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित हम लोगों ने किया है और उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिव्यांगता के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ अन्य जो गेम्स वगैरह हैं उनके साथ भी दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए एक गेम का भी आयोजन किया गया है। मैंने संपूर्ण एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश है हम लोगों के माध्यम से, ताकि दिव्यांगों के प्रति समाज संवेदनशील बने, एक समाजी समावेशी समाज का निर्माण हो और ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों को ये प्राप्त कर सकें और समाज इनको अधिकार प्राप्त करा सके, समाज भी इनको अधिकार दे सके। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। आज के दिवस पे मैं समस्त दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाली संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी, उनके संगठन, दिव्यांगजन, उनके अभिभावक, पुनर्वास व्यवसायियों को मैं अपना